इस डब्बे में एक ऐसा फोन जिसने सबसे ज्यादा कैमरा टेस्टिंग में स्कोर लिया है भाई DxO मार्क पे। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। DxO वाले भाई कैमरा टेस्ट, वीडियो टेस्ट, काफी कुछ टेस्टिंग करके नंबर देते हैं। जैसे आप स्कूल जाते हो ना, आपको टेस्टिंग के बाद नंबर मिलते हैं, और इसके नंबर है 146, जो कि iPhone 13 Pro Max, Galaxy S22 Ultra इन दोनों से भी कहीं ज्यादा है। ऐसे में मन तो करता है टेस्ट करने का। यही आज की वीडियो का काम है। आप भी अपना काम करिए, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फोन का नाम है Honor Magic 4 Ultimate वाला है। ये चाइना से मंगाया गया, वाया दुबई घूमते हुए आया। दुबई से हेल्प करिए भाई, साहिल करोल ने इसको मंगवाने में, जिसका खर्चा आता है 1,20,000 रुपए। वावे ओनर आप मतलब जो इंडिया में इनके फोन नहीं आते तो मन कर ही जाता, जस्ट लाइक मैंने पिक्सल 6 प्रो मंगाया था वैसे ही वाला अभी भी है मेरे पास फोन, और अंदर भी काफी कुछ है इसके। भाई कितना प्यारा कवर है, ये सब मिलता भी नहीं है बाहर। वाओ, व्हाट अ प्रीमियम कवर। टाइप ए टू टाइप सी केबल, साथ में 100 वोल्ट का सुपर फास्ट चार्जर, और क्या क्या निकल रहा है भाई बॉक्स में, टाइप सी ईयरफोन, एंड फाइनली DxO मार्क तो भी बाहर आ जाएगा, लेकिन बॉक्स के मार्क में तो नंबर वन है एप्पल सैमसंग से तो कहीं आ गया। ये चीज देख रहे हो, ये चीज बाहर निकला हुआ जैसे कार का बोनट वगैरह होता है ना, उसमें फील होता है। एग्जांपल थोड़ा अजीब है बट हाँ फील होता है। और साथ में यहाँ पर ये लाइनें दिख रही हैं, ये भी टेक्सचर की फॉर्म में है, काफी सॉलिड सा फील होता है। सिरेमिक बैक है ये, थोड़ा थोड़ा पता है किसकी याद दिलाता है मुझे, ये मी 11 अल्ट्रा की याद दिलाता है भाई। यहाँ पर जो फ्रेम डिजाइनिंग है, थोड़ा सा अगर आप नीचे देखने की कोशिश करोगे और ऊपर भी अगर आप देखोगे ना, थोड़ा थोड़ा मतलब मैच करते हैं ये। 4600 mAh बैटरी के साथ ये फोन ना थोड़ा सा ज्यादा भारी फील तो होता है, मैंने कहा ना कार की डिजाइन से, तो इसका टायर जैसा डिजाइन है। जस्ट किडिंग, बट यस ये काफी बड़ा सा कैमरा लेआउट दे रखा है इन्होंने। और हाँ भाई ये कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, इनफैक्ट थोड़ी कर्व डिस्प्ले इसकी ज्यादा ही कर्वी है। एक चीज मुझे बस डिजाइनिंग में लगा कि इम्प्रूव किया जा सकता था, जो कि नॉर्मली आपने जितने फ्लैगशिप फोन देखे होंगे इन सभी फोन में जो अंडर डिस्प्ले स्कैनर दे रखा है ना, उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर अगर दिखाऊं, जैसे पिक्सल 6 प्रो है इसके अंदर देखो पोजीशन ऊपर है, काफी सही जगह पे है। मतलब मी 11 अल्ट्रा में अगर आप देखोगे इसकी पोजीशन भी थोड़ी ऊपर साइड है यहाँ पर, तो आराम से मतलब ये अनलॉक हो जाता है। वीवो का X80 प्रो प्लस भी है, तो यहाँ पर प्रो प्लस नहीं, X80 प्रो यहाँ पर भी ऊपर है, और ये S22 अल्ट्रा के अंदर देखोगे यहाँ पर भी सही पोजीशन पे है। बट ये जो ऑनर वाला फोन है ना, इसके अंदर इन्होंने ये नीचे दे रखा है एकदम यहाँ पर, जो भाई पोजीशन बिल्कुल गलत जगह है इसकी। यही सारी चीजें ही तो होती हैं, डिजाइनर टीम क्या कर रहे थे। बाकी सारी बातें मैं बाद में करूंगा। जो मैं सबसे ज्यादा जिसके लिए देखना चाहता था इस फोन के लिए, भाई फोन बहुत अच्छा लगा टू भी होना, जैसे मैं छोटी छोटी चीजें दिखाऊं, मैंने कहा काफी सॉलिड सा फोन फील होता है। यस काफी सॉलिड सा ही फोन फील होता है, और साथ में कैमरे के बारे में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे 3D आप देख रहे हो, यहाँ पे डबल कैमरा सेटअप है, 3D कैमरा बोलते हैं ये एक्चुअल में। जैसे अगर आप फेस रजिस्टर करते हो ना, तो जस्ट लाइक आईफोन में होता है ना, पूरा इस तरीके से स्कैन करता है, ऐसे ऐसे आपको करना पड़ता है आईफोन की तरह। हालांकि फेस आईडी ज्यादा एडवांस होती है, लेकिन ये भी भाई अच्छा काम कर जाता है। उसके बाद जो इसका स्मूथनेस है 120Hz की काफी अच्छी है। यहाँ पर एंड्रॉइड 12 मिलता है, तो मैजिक UI 6 मिल जाता है। हल्का लगा मुझे कलर OS से मैच करता हुआ दिखता है कहीं कहीं, लेकिन यहाँ पर जैसे आप वॉलपेपर काफी अच्छे अच्छे दे रखे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में यहाँ पे काफी सही सही दे रखे, ये वाला मुझे काफी पसंद आया। और यहाँ पर आइकन्स को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो अलग अलग तरीके से थीम की फॉर्म में। इवन होम स्क्रीन पर भी अगर आप जाना चाहते हो ना, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ट्रांजिशन, वैसे याद आया ये किस फोन में आता था, ये वीवो का अगर फ्रंट टच OS याद होगा, उसमें बहुत सारे आते थे पहले वाले में, तो ये सारी चीजें दे रखी है। मिक्स सा UI फील होता है मुझे काफी सारे का, अच्छा लगा मुझे ओवरऑल। लेकिन ब्लॉटवेयर भाई भर भर के इसके अंदर, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया वाले फोन में ही होता है, यहाँ देख रहे हो ओहो UC ब्राउजर है, बैन हो गया अभी तो। एक चीज और याद आया मुझे, चाइना में टिकटॉक बैन नहीं है, देख रहे हो टिकटॉक चल रहा भाई यहाँ पे, तो इंडिया में बैन है वहां नहीं ना, लेकिन यहाँ के डाटा से चल रहा है बिना VPN के। और कुछ न्यूज की माने तो भाई जैसे PUBG BGMI बन के आया, ऐसा ही कुछ TikTok नया नाम के साथ आ सकता है। आपको क्या लगता है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जेन्युइन ओपिनियन देना, मतलब थोड़ा सोच के, बिकॉज आप ऑलरेडी एक तरीके से शॉर्ट वीडियो YouTube पे देख रहे हो, आप रील्स पे देखते हो, मौज नामक एप्लीकेशन भी आती है, ऐसे अलग अलग आते हैं ना, तो क्या इनके आने से क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं, पढ़ना चाहूंगा मैं। लेकिन मेनली मैं बात करने वाला हूँ कैमरे के बारे में भाई। 50 megapixel मेन OIS के साथ, और ये है 64 megapixel अल्ट्रा वाइड, बीच में 64 megapixel का पेरिस्कोप लेंस है। इन दोनों को बताता हूँ, ये 50 megapixel स्पेक्ट्रम एनहांस कैमरा क्या काम करता है, ये बहुत बड़ा सवाल था। उसके लिए अगर आप ध्यान से देखो, जैसे ये फोन है, इस फोन के अगर मैं मेन कैमरा अल्ट्रा वाइड और पेरिस्कोप को ढक देता हूँ, उसके बाद मैं अल्ट्रा वाइड से लेके मैक्सिमम 100x तक जूम करने की कोशिश करता हूँ ना,
तो भी मतलब इस कैमरे पे स्विच होता ही नहीं है ये, मतलब लाइव तो ये कैमरा नहीं दिखाई देता। फिर सोचा कैसे काम करेगा, तो पता लगा कि ये अभी एक्टिवेट नहीं है, ऐसा मुझे कहीं से पता लगा, मैंने थोड़ा सा पता लगाया, तो मे भी अपडेट वगैरह के बाद काम करेगा जो भी लॉजिक हो। ये क्लैरिटी को एनहांस करेगा, साथ में HDR को और बेटर करेगा, और साथ में यहाँ पर एक है DTOF कैमरा। तो आप सोचोगे DTOF, अगर आपको याद होगा TOF कैमरा तो यहाँ Note 10 Plus में दिया गया था सबसे पहले जो मैंने देखा था लाइव। चाहे ये TOF कैमरा हो या फिर चाहे आईफोन के अंदर LiDAR सेंसर हो, ये लाइट सिग्नल भेजते हैं, सामने ऑब्जेक्ट से टकराता है फिर वापस आता है, तो एक डेप्थ मैपिंग का काम करते हैं। हालांकि अभी सैमसंग खुद नहीं देता जैसे मैंने कहा, हाँ आईफोन में लेकिन है भाई, आईपैड में भी है। इससे आप क्या कर सकते हो, पूरा मेजरमेंट करना हो, 3D मॉडल तैयार करना हो, काफी सारी चीजों में यूज होता है। लेकिन घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट वही है, आप समझ गए होंगे सारे कैमरे। अब रिजल्ट की बात करें, फोटोज तो इसकी मतलब मैंने देखी सबसे पहले, जैसे सेल्फी कैमरे की बात करें 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, इससे मैंने ऐसे रैंडम फोटोज क्लिक करी है कुछ, जैसे ये फोटो देखो, आप फोटो देख रहे हैं, मेरे हालात में देखना, मैं एडिटिंग करते हुए ऐसे काम करते हुए क्लिक कर लिया था। यहाँ पर देखो आप पीसी पे पीछे जो लाइट्स हैं, चेहरे पे जो सारी चीजें बैलेंस करके फोटो आ रही, काफी अट्रैक्टिव आ रही भाई। तो सेल्फी फोटोज काफी बढ़िया आती है, मस्त आती है। इसमें भी आपको जूम वाइड करने का इसी में ऑप्शन दे रखा है, लेकिन थोड़ा गोरा करके दिखाता है, ऐसे ब्यूटी मोड ज्यादा ही अप्लाई कर देता है। और मेन कैमरा से भी बात करें तो बहुत अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करी है मैंने इससे, मैं सोचा S22 अल्ट्रा से थोड़ा सा आपको दिखाया जाए। और ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए कंपैरिजन है, क्योंकि फोन तो इंडिया में थोड़ी आ रहा है, तो S22 अल्ट्रा चाहे जीते चाहे हारे, कोई भी जीते हारे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपको पता लगेगा क्या कहां स्टैंड करता है। S22 अल्ट्रा में ज्यादा मेगापिक्सल की सेल्फी आती है, तो डिटेल्स तो यहां पे नोटिस होते हैं, जैसे ये फोटो देखो आप, बालों वगैरह में डिटेल देखोगे ज्यादा बेटर दिखते हैं। हालांकि सही बताऊं, सोशल मीडिया रेडी के लिए जैसी सेल्फी आनी चाहिए वो यहां पे मुझे कहीं ना कहीं ऑनर वाला ज्यादा बेटर लग रहा है, तो आर्टिफिशियल लाइट में कहीं ना कहीं मुझे ऑनर वाला बेटर लग जाता है। लेकिन जब ओवरऑल कंडीशन देखी जाती है, पीछे से लाइट आ रही है, डे लाइट में HDR मोड किसका कैसा काम करता है, डिटेल्स किस में कैसी है, कलर्स कौन कैसे बैलेंस कर रहा है, S22 अल्ट्रा बेटर सेल्फीज देता है। उसके बाद मेन कैमरे पे चलते हैं। एक कंडीशन तो ऐसी है जहां पर S22 अल्ट्रा इतनी बुरी तरह पिटा, मतलब इसको मैंने 2-3 बार क्लिक किया, मैं कहा सच में क्या इतनी बुरी तरह पिट सकता है, आंसर निकल गया हाँ भाई बहुत बुरी तरह पिटता है। ये फोटो देखो, लाल पीली नीली सारी लाइटें हैं, टेक्स्ट है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है नॉइज बेटर कंट्रोल कर लेता है आपका ऑनर वाला फोन। वैसे यहाँ पे कम नॉइज का एक और रीजन हो सकता है भाई, यहाँ पर जो ऑनर वाला फोन है इसका अपर्चर 1.6 है, सैमसंग वाले का जो मेन कैमरे का अपर्चर 1.8 है। कम अपर्चर, कम नॉइज, बेटर लाइट कैप्चर। एक और चीज में ओनर का फोन में भाई, जिसको सिर्फ अल्ट्रा वाइड एंगल ही देखना कितना ज्यादा वाइड एरिया ले सकता है, ओनर वाले में बहुत ही ज्यादा वाइड एंगल फोटोज आती हैं। और ओनर वाले फोन के अंदर भाई एक और चीज मैंने देखी, वीडियो मोड में जाते हो यहाँ पे मूवी मोड, ये लट्स का ऑप्शन दे रखा है। जैसे अगर आप लट्स में जाते हो, जैसे एडिटिंग करते हैं ना, कलर ग्रेडिंग करते टाइम रो मोड में वीडियो शूट, 4K HDR का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको रो मोड में शूट नहीं कर सकते। तो फोन के अंदर काफी सारे ऑप्शंस भर भर के दिए हुए, 4K 60fps वगैरह सब। अब थोड़ा सारे कंडीशन मिला के देखे जाए, आर्टिफिशियल लाइट में मैंने नोटिस किया S22 अल्ट्रा थोड़ा कॉन्ट्रास्टी कर देता है फोटोज को। लेकिन इसके अलावा अगर HDR मोड की बात करें, बेटर कंट्रोल करता है S22 अल्ट्रा। पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड में कलर साइंस आपके सामने है, लेकिन बेटर डिटेल्स मिलते हैं, बेटर डिटेक्शन मिलता है S22 अल्ट्रा में। दोनों फोन में 100x मिल जाता है, तो मून वगैरह की फोटो ले सकते हैं, लेकिन S22 अल्ट्रा में बेटर फोटो आती है, इसको मैंने 2-3 बार क्लिक करके देखा था। और मुझे थोड़ा सा ओनर में एक चीज ये शिकायत लगी, भाई आपने दे रखा है 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप, लेकिन जैसे जूम करते हैं ना, ये 3.5x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है सिर्फ, वहीं पे 10 मेगापिक्सल का S22 अल्ट्रा में दे रखा है पेरिस्कोप लेंस, वो 10x जाता सीधा। जूम जो फोटोज आती है, जूम करके काफी क्लिक करते हैं, वहां भी अल्ट्रा की फोटोज बेटर आती हैं। और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कैमरा दे रखा था, इसकी जगह टेलीफोटो लेंस दिया जा सकता था। इवन वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम भाई अल्ट्रा वाइड में स्विच करने का ऑप्शन ही नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का जो इन्होंने दे रखा है ना पेरिस्कोप, उस पे स्विच कर जाता। देखो 10x है ना, तो यहाँ पर मैं इसको बंद करूंगा, बंद हो गया कैमरा। प्रैक्टिकल वे में थोड़ा सा होना चाहिए ना भाई, जैसे फॉर एग्जांपल S22 अल्ट्रा में मेन कैमरा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, टेलीफोटो लेंस, उसके बाद 10x लेंस यानी कि पेरिस्कोप, और ये फोन आ गया, कट कर देंगे हम। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर सेल्फी कैमरा में स्विच, सब पॉसिबल है जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी एक कैमरे को सिलेक्ट करना हो तो S22 अल्ट्रा अभी भी बेटर है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और वीडियो रिकॉर्डिंग में तो चाहे आपका अल्ट्रा हो चाहे ऑनर हो, दोनों से बेटर आईफोन होता है, तो वहाँ एक अलग पॉइंट आ जाता है। हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने एक चीज नोटिस किया भाई, किसी मामलों में ऑनर वाला जल्दी फोकस कर लेता है S22 अल्ट्रा से नजदीक वाले ऑब्जेक्ट में। बाकी फोन फ्लैगशिप है, 8 Gen 1 के साथ आता है, वायरलेस चार्जिंग, IP रेटिंग और सब कुछ दे रखा। बाकी जो फोन के डिस्प्ले साइज, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह है, वो सारा आपके सामने यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, मैं तो बस फोन टेस्ट करना चाहता था। तो यही था भाई आज की वीडियो में, काफी मजा आया मुझे इस फोन को टेस्ट करने में, आपको भी अच्छा लगा होगा, बिकॉज ये फोन आपने अगर कहीं सुना होगा तो मन में जरूर आया होगा क्या है कैसा है, तो काफी कुछ सही
मेरा इस फोन के साथ एक्सपीरियंस। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। फोन वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।